न्यूज का टाइम्स ऑन अब भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आजादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मना रही केंद्र सरकार 75 जिलों वाले उत्तर प्रदेश को कई सौगातें देने जा रही है। इसी कड़ी में पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी अर्बन कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री आवास योजना के 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से चाबी देंगे और उनसे संवाद भी करेंगे। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 5-7 अक्टूबर तक सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। पीएम मोदी स्मार्ट मिशन और अमृत के तहत उत्तर प्रदेश की 75 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही 75 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी करेंगे जिसमें आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के तहत पूरी की जा चुकी 75 परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। सोमवार को मुंबई के कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को किला कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया। आर्यन खान के अलावा अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी 7 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेजा गया है। एनसीबी ने कोर्ट के सामने दलीलें दी कि आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि वो विदेशी ड्रग पेडलर के भी संपर्क में था। इसके अलावा एनसीबी ने कोर्ट को बताया कि आर्यन ने अमेरिका की साउथर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान भी ड्रग्स का सेवन किया था, इसलिए इस ड्रग्स मामले की जांच अंतर्राष्ट्रीय एंगल से भी किए जाने की जरूरत है। जिसके बाद कोर्ट ने आर्यन खान और बाकी आरोपियों को 7 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया और अब एनसीबी अगले 2 दिनों में सभी से पूछताछ करेगी। बता दें कि एनसीबी ने रविवार को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर छापेमारी के बाद इन लोगों को पकड़ा था। फिर लंबी पूछताछ के बाद आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को गिरफ्तार कर लिया था। रविवार शाम को 7 बजे तीनों का मेडिकल टेस्ट कराया गया और टेस्ट के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया जहां से अदालत ने तीनों को 1 दिन की एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया था। दिल्ली के पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपित पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका पर आज रोहिणी कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में सुशील ने अपने आप को बेकसूर बताया। सुशील कुमार ने कहा कि पुलिस ने झूठा केस बनाया और उन्हें एक अपराधी की छवि के रूप में पेश किया। सुशील कुमार की तरफ से 16 पन्नों की जमानत याचिका उनके वकील प्रदीप राणा ने फाइल की है। रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल सेशंस जज शिवाजी आनंद कुमार सुशील की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेंगे। आरोप है कि सुशील कुमार और उनके साथियों ने संपत्ति विवाद को लेकर 4 और 5 मई की दरमियानी रात को छत्रसाल स्टेडियम में 23 साल के पहलवान सागर धनखड़ और उनके दोस्तों के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी, जिसकी वजह से घायल सागर धनखड़ की मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सुशील कुमार को 23 मई को गिरफ्तार किया था। आरोप पत्र में 13 आरोपियों को नामजद किया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश, अपहरण, डकैती, दंगा समेत कई धाराओं में केस दर्ज है। कोरोना से जंग में कारगर कोवैक्सीन को जल्द विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी मिल सकती है। कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी को लेकर WHO की आज अहम बैठक है। WHO की कोरोना वैक्सीनेशन पर विशेषज्ञों के रणनीतिक सलाहकार समूह की इस मसले पर मीटिंग होगी। इसके बाद WHO की ओर से कोरोना वैक्सीन को लेकर अहम फैसले का ऐलान हो सकता है। कोवैक्सीन को ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर विकसित किया है, लेकिन अब तक इस वैक्सीन को WHO की इमरजेंसी यूज की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से कई देशों ने कोवैक्सीन लगवाने वाले लोगों के ट्रैवल को मंजूरी नहीं दी। बताया जा रहा है कि भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी देने के लिए WHO के पास सभी जरूरी औपचारिकताओं को पूरा किया। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी WHO के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन से मुलाकात के दौरान कोवैक्सीन की मंजूरी पर चर्चा की थी। केंद्र सरकार ने पेंडोरा पेपर्स मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच संयुक्त जांच एजेंसी करेगी, जिसकी निगरानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस के चेयरमैन करेंगे। संयुक्त जांच समिति में आयकर विभाग के अलावा प्रवर्तन निदेशालय, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जैसी जांच एजेंसियां भी शामिल होंगी। दुनिया भर में अमीर व्यक्तियों की वित्तीय संपत्ति का खुलासा करने वाले पेंडोरा पेपर्स में व्यवसायियों समेत 300 से ज्यादा अमीर भारतीयों के नाम शामिल है। हालांकि कई भारतीयों ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। जिन लोगों के नाम पेंडोरा पेपर्स में सामने आए हैं उनमें अनिल अंबानी, नीरा राडिया, जैकी श्रॉफ, नीरव मोदी और सचिन तेंदुलकर के नाम भी शामिल है। बताया गया है कि पेंडोरा पेपर्स में दुनिया भर की 14 कंपनियों से मिले लगभग 1 करोड़ 20 लाख दस्तावेजों की पड़ताल से भारत सहित 91 देशों के सैकड़ों नेताओं,
अरबपतियों, मशहूर हस्तियों, धार्मिक नेताओं और नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों के गुप्त निवेशों का खुलासा हुआ है। तो देश दुनिया की बड़ी खबरों के बाद बुलेटिन में वक्त हो चला है राज्य की बड़ी खबरें जानने का। देखिए एक मिनट में अपने राज्य की हर खबर। सीनियर ऑब्जर्वर बनाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज उत्तर प्रदेश जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल को हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके बाद आज वो पहली बार लखनऊ पहुंच रहे हैं, जहां वो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल के बीच सोनिया गांधी ने सीएम बघेल पर भरोसा जताते हुए उन्हें शनिवार को यूपी चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया था, जिसका ऐलान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ऐसी जिम्मेदारी मिलने की संभावना बहुत पहले से जताई जा रही थी। जुलाई में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। बताया जा रहा था कि इसी दौरान बघेल की भूमिका का ताना बाना बनकर तैयार कर लिया गया था। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आज राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए जयपुर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चन्नी राजस्थान के कैबिनेट मंत्री और पंजाब के पर्यवेक्षक हरीश चौधरी के साथ चंडीगढ़ से जयपुर पहुंचेंगे। वहां पहुंचने के बाद चन्नी राजस्थान के सीएम गहलोत से उनके आवास पर मिलेंगे। इस दौरान गहलोत कैबिनेट के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। पंजाब का सीएम बनने के बाद पहली बार जयपुर आ रहे चन्नी के सम्मान में अशोक गहलोत ने सीएम हाउस में लंच का कार्यक्रम भी रखा है, जिसमें सरकार के सभी मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों को आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस आलाकमान की ओर से चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी खूब तारीफ की थी। वहीं कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी आलाकमान चन्नी के प्रोफाइल को ऊंचा करने के मकसद से अलग अलग दौरों पर भेज रही है। साथ ही कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश भी कर रही है कि वो एक डमी सीएम नहीं है। आपको बता दें कि सीएम बनने के बाद हाल ही में चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की थी और वो राजस्थान में सीएम से मिलने आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की और उनका हाल जाना। महंत नृत्य गोपाल दास मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं, जहां लगातार डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। महंत नृत्य गोपाल दास की रविवार को अचानक तबीयत खराब हुई थी, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद उन्हें अयोध्या से लखनऊ के मेदांता अस्पताल लाया गया। महंत नृत्य गोपाल दास से मिलने के बाद सीएम योगी ने अपने ट्विटर अकाउंट से अस्पताल की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो महंत नृत्य गोपाल दास से उनका हाल पूछते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने जल्द उनके ठीक होने की कामना भी की। नवंबर 2020 में भी महंत नृत्य गोपाल दास को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तब भी उन्हें सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इससे पहले महंत नृत्य गोपाल दास 7 अगस्त 2020 को कोरोना संक्रमित हो गए थे। गुजरात में पुलिस भर्ती के लिए बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। गुजरात सरकार जल्द ही 27,847 पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत करेगी, जिसमें सब इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल और टेक्निकल विभाग के रिक्त पदों को भरा जाएगा। सरकार की ओर से बताया गया कि आगामी 10 दिनों में पुलिस भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गृह विभाग में 27,847 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। इन पदों के लिए अभ्यर्थी पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। कोरोना महामारी के कारण बीते कुछ समय से पुलिस भर्ती प्रक्रिया को रोका गया था। अब खबर है कि राज्य सरकार अगले 100 दिनों में कैडर में इन सभी रिक्त पदों को भरने का काम पूरा कर लेगी। महामारी के इस दौर में जब कई लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं और कईयों का कारोबार चौपट हो गया है, ऐसे में गुजरात सरकार की ओर से नौकरी के लिए दरवाजा खुलना काफी अहम माना जा रहा है। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। यहां शराब के नशे में धोते एक आदमी ने एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी को साफ देखा जा सकता है। आरोपी ने अपने थैले से एक धारदार हथियार निकालकर दुकान के सामने खड़ी महिला पर वार कर दिया, जिसके बाद महिला जमीन पर गिर गई। थोड़ी देर बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन उससे पहले आरोपी वहां से भाग गया। लेकिन जब लोगों को मामला समझ आया तो वो आरोपी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़े और उसे दबोच लिया। वो विभा जो है एक सब्जी की दुकान चलाती है, वो अपने पति के साथ चलाती है, और जो ये आदमी है जिसने उसका मर्डर किया, इसका नाम दीपक है और ये एक प्लम्बर का काम करता है, छोटा मोटा, बहुत छोटे लेवल का कॉन्ट्रैक्टर भी है।
पुलिस के मुताबिक महिला अपने पति के साथ इलाके में सब्जी की दुकान चलाती थी। घटना वाले दिन नशे में धुत आरोपी की उससे किसी बात पर बहस हो गई, जिसके बाद दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि हत्या तक बात पहुंच गई। अब बुलेटिन पे वक्त हो चला है आपके काम की खबर जानने का। बच्चों की वैक्सीन लॉन्च करने से एक कदम दूर है। दरअसल कंपनी ने बच्चों पर ट्रायल का डाटा DGCI को सौंप दिया है। कंपनी की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने बताया कि भारत बायोटेक ने 2 से 18 साल के वॉलंटियर पर किए गए ट्रायल का डाटा DGCI को सौंप दिया है। कंपनी ने बीते महीनों ही बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे चरण का ट्रायल पूरा किया था। बता दें कि देश में बच्चों के टीकाकरण का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, वही 18 साल से ज्यादा उम्र के करीब 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। यूपी में अब किसान घर बैठे ही किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकेंगे। कृषि लोन के लिए बनने वाले किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किसानों का कृषि विभाग में पंजीयन अनिवार्य होगा, जिसके बाद बैंक कर्मचारी कार्ड बनाने किसान के घर आएंगे। किसान ब्लॉक या फिर जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में भी पंजीयन करा सकता है। इसके अलावा कृषि विभाग की ओर से किसानों को बीज के साथ ही बुआई और सिंचाई के यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। अनुदान राशि का लाभ सीधे किसानों को मिल सके, इसके लिए भी पंजीयन जरूरी होगा। देश में लाखों लोग रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं। कई लोग टिकट बुक करने के लिए IRCTC का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों के लिए खबर आपके काम की है। अब महीने में 6 से ज्यादा टिकट बुक कर सकेंगे। इसके लिए आपको IRCTC ID से अपना आधार नंबर लिंक करना होगा। आधार लिंक करने के बाद आप एक महीने में आसानी से 12 टिकट बुक कर पाएंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे कैंडिडेट के लिए जरूरी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग ने 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें 10वीं पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर रखी गई है। इसके लिए शुल्क ₹100 रखा गया है, जिसे ऑनलाइन मोड या फिर SBI शाखा से चालान बनाकर भेजा जा सकता है। SC ST PWD वर्ग के लिए कोई शुल्क नहीं है। वहीं ऑनलाइन परीक्षा जनवरी-फरवरी 2022 में होगी। अगर आप भी रेलवे में नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके काम की खबर है। पूर्वी रेलवे में 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन आज से शुरू हो गया है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 3 नवंबर रखी गई है। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना चाहिए। पूर्वी रेलवे भर्ती का आवेदन शुल्क ₹100 है। हालांकि SC ST और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है। और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, करीब 7 घंटे तक ठप रहने के बाद व्हाट्सएप और फेसबुक एक बार फिर से शुरू हो गया है। हालांकि अभी तक इनकी सभी सेवाएं पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई हैं, लेकिन व्हाट्सएप शुरू होने की जानकारी खुद मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक के जरिए दी। इससे पहले बीती रात करीब 9:15 बजे से सोशल मीडिया के 3 बड़े प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ठप हो गया, और इसकी वजह से इन तीनों ही प्लेटफॉर्म के करोड़ों यूजर्स को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। लोगों ने अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाने की शिकायत भी की है। मैसेज सेवा पूरी तरह से ठप हो गए। व्हाट्सएप और फेसबुक की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि यूजर्स की शिकायतें मिली हैं और हालात जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। साइबर इंटेलिजेंस के सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शक है कि या तो ये सभी सोशल एप्लीकेशन के सर्वर को अपडेट किया जा रहा है या फिर साइबर अटैक हो सकता है। साइबर एजेंसियों को डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज का शक है, और ये पहली बार है जब तीनों सोशल साइट्स के सर्वर एक साथ इतनी देर तक ठप रहे हों, और इसी वजह से देखिए लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। और साथ ही भारी नुकसान यहाँ पर इस वजह से फेसबुक के शेयर में 5% से ज़्यादा की गिरावट भी दर्ज की गई। ये तीन प्रकार के जो महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उपलब्ध नहीं है, ये केवल एक चीज दर्शाता है, एक कि एक तो ये कहीं ना कहीं साइबर आक्रमण हुआ है, दूसरा कहीं ना कहीं साइबर सुरक्षा में सेंध लगी है। अब ये सेंध किसने लगाई है, कहां से लगाई है, लेकिन एक बात सुनिश्चित है, ये सेंध इतनी इफेक्टिव है कि दुनिया भर के उपभोक्ता फिलहाल इन प्रकार की सेवाओं का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज देखिए हमें समझना होगा कि गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम शुरू हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहित जुड़ चुके हैं। मोहित, जरा बताइए आखिर क्या कारण रहे कि 7 घंटे तक इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद रहे? बिल्कुल, देखिए कल करीब 9:30 बजे के करीब
व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक तीनों को जो है यूजर्स एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद ट्विटर पे तीनों कंपनीज की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक किया जा रहा है। लेकिन पहले भी ऐसा हुआ है कई बार कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप डाउन रहे हो, लेकिन 7 घंटे तक डाउन रहना पहली बार ऐसा हुआ है। सिर्फ ये नहीं कि कुछ पार्ट में, पूरी दुनिया भर में तीनों एप्स को कोई एक्सेस नहीं कर पा रहा था। देखिए व्हाट्सएप वगैरह इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया लोगों की लाइफ में कि उनके ऑफिस ग्रुप हैं हर चीज में, हम लोगों के जर्नलिस्ट के भी ऑफिस ग्रुप हैं, न्यूज शेयर होती है, तो एक बहुत ज्यादा लोगों को समस्या हुई। लोगों ने ट्वीट किया तब जाके क्लैरिफिकेशन आया। करीब 7 घंटे बाद तीनों प्लेटफॉर्म जो है दोबारा वापस काम करने लग गए। फिर क्लैरिफिकेशन आया व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक की तरफ से कि जो दिक्कत थी हम उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन अब सब कुछ ठीक किया जा रहा है। लेकिन कारण क्या था इसका वो अभी तक बताया नहीं गया कि क्या एक ये साइबर अटैक था, क्या ये कोई बग था स्पेसिफिकली जिसको ठीक किया गया, या फिर इन तीनों एप्स के अंदर कुछ अपडेट किया गया। क्योंकि देखिए जितना हम ज्यादा साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं उतनी ही ज्यादा साइबर अटैक्स की बात भी हमें करनी पड़ेगी। और जिस प्रकार से कल 7 घंटे के लिए ये तीन जो एक तरह से सोशल मीडिया जाइंट्स हैं वो बंद रहे, सवाल ये भी उठाते हैं कि क्या आखिरकार ये एक नॉर्मल बग था या फिर एक ये साइबर अटैक था। इस बारे में अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। बिल्कुल, जैसे आपको कोई जानकारी मिली आप अपडेट जरूर करिएगा। फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश को 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और इसके लिए आज लखनऊ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। प्रधानमंत्री आज ही 3 दिवसीय राष्ट्रीय न्यू अर्बन इंडियन कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी करने वाले हैं और इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे करेंगे। उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यान मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और साथ ही केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्य मंत्री कौशल किशोर भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। अमित हमारे सहयोगी जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या जानकारी है, कितना बड़ा तोहफा, कितनी बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश की जनता के लिए? देखिए बहुत बड़ा तोहफा दे रहे हैं 75 जिलों के लिए। अगर आप, ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो तमाम 75 जिले हैं उन जिलों के लिए एक साथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास होगा या लोकार्पण होगा। न्यू शहरी जो अर्बन इंडिया है उसकी थीम पर है। इसमें सबसे बड़ी बात ये पूरा जो कार्यक्रम है ये शहरी शहर के रूप में है। इसमें शहर में क्या क्या डेवलपमेंट होने हैं, जो एक स्मार्ट सिटी, 10 स्मार्ट सिटी है उसमें जो डेवलपमेंट हुए हैं उसको दिखाया जाएगा। एग्जीबिशन भी, 3 एग्जीबिशन लगाए जाएंगे। जो हाउसिंग टेक्निक इस्तेमाल किया जा रहा है, जो नए तकनीक इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो बताए जाएंगे। 75 जिलों में हर जिले के लिए 75 बस, इलेक्ट्रिकल बस को पीएम हरी झंडी दिखाएंगे। और उससे बड़ी बात की 75 जिलों में 75,000 लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना था उसका वर्चुअल वो दिया जाएगा, की दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ लाभार्थियों से प्रधानमंत्री बात करेंगे। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है और उत्तर प्रदेश में अब चुनाव का वक्त भी है, तो ये तीसरा दौरा है प्रधानमंत्री का। जो कोविड की का जो लहर आया था दूसरे लहर के बाद, ये प्रधानमंत्री का तीसरा दौरा है। पहले बनारस गए थे, फिर अलीगढ़ गए थे और आज लखनऊ आ रहे हैं। तो पूरे लखनऊ में जबरदस्त तैयारी है, आपको हर जगह पोस्टर बैनर दिखेंगे। जबरदस्त तैयारी के साथ हर कोई इंतजार कर रहा है, स्वागत कर रहा है। लखनऊ पूरा स्वागत करने को तैयार है प्रधानमंत्री मोदी का। बिल्कुल अमित, तो बहुत बड़ी सौगात आज उत्तर प्रदेश की जनता को मिलने जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस खास जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भारत की कोवैक्सीन को जल्द ही WHO की आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की आज अहम बैठक होने वाली है। WHO की कोरोना वैक्सीनेशन पर विशेषज्ञों के रणनीतिक सलाहकार समूह की इस मामले पर मीटिंग भी होगी। कोवैक्सीन का उत्पादन भारतीय कंपनी भारत बायोटेक करती है और कंपनी के मुताबिक कोवैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी के लिए सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को पहले ही WHO के पास जमा करा दिया गया है। तो देखिए ये बहुत अच्छी खबर देशवासियों के लिए, कोवैक्सीन के इस्तेमाल को बहुत जल्द मंजूरी मिल सकती है। जितने भी अहम डॉक्यूमेंट्स जमा कराने थे वो सब कुछ WHO को जमा करा दिए गए हैं। कोवैक्सीन पर आज WHO की बहुत अहम बैठक होने वाली है जिसमें बड़ा फैसला कोवैक्सीन को लेकर लिया जाएगा। WHO के एक्सपर्ट पैनल डिस्कस करेंगे कोवैक्सीन के इस्तेमाल को। आज हो सकता है कि इस बैठक में मंजूरी भी मिल जाए। भारत बायोटेक ने सभी दस्तावेज भी जमा करवा दिए हैं कोवैक्सीन पर। आज WHO ने एक काफ़ी महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें WHO के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सबका पैनल आज इस बैठक में शामिल होने वाला है। हर्षा हमारे साथ जुड़ चुकी है। हर्षा, आज की ये बैठक कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है WHO की? देखिए हाले आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी भी वैक्सीन की हम बात करें, चाहे फाइजर की, जॉनसन जॉनसन की, एस्ट्राजेनेका की और सिनोवैक की, सभी को WHO मंजूरी दे चुकी है, लेकिन कोवैक्सीन को अभी तक EUA मंजूरी WHO द्वारा नहीं मिली है। WHO के आज स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल विंग के टेक्निकल डिपार्टमेंट के आज बैठक है, जो की 4 दिन तक चलेगा। और सौम्या स्वामीनाथन जो WHO की है, उनके द्वारा साफ बात कही गई है कि कोवैक्सीन को लेकर के जितने भी दस्तावेज है, जितनी भी टेक्निकल खामियां थी जिसको लेकर के पिछले साल डिस्कस किया गया था, उसकी करेक्शन करके जो टीम है उनके द्वारा सबमिट कर दिया गया है। लिहाजा पूरी उम्मीद है कि WHO का जो EUL है, जो इमरजेंसी यूज है, वो कोवैक्सीन को अप्रूवल मिल जाएगा, जिसके बाद जो यात्री बाहर ट्रैवल कर रहे हैं जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है, उन वो भी निश्चिंत हो सकते हैं कि एटलीस्ट अगर कोवैक्सीन लगवाई है तो बाहर विदेशों में ट्रैवल कर सकते हैं। तो पूरी उम्मीद की जा रही है आज जो बैठक है, जो की 11 बजे से शुरू है, इसमें कोवैक्सीन को आज EUL अप्रूवल मिल जाएगा WHO का। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका इस खास जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली सरकार के अधिकारों के कम करने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। कोर्ट में इस मामले को लेकर के दिल्ली सरकार की ओर से याचिका दायर कर केंद्र के गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय को पक्षकार बनाया गया है। और देखिए याचिका में ये भी कहा गया है कि GNCTD एक्ट की धारा 21, 24, 33 और 44 में जो बदलाव किए गए हैं उसमें दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार कम होते हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार और विधानसभा है, उसका मंत्रिमंडल है, लेकिन संसद से कानूनी संशोधन के बाद उनके अधिकार को घटा दिया गया है, कम कर दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के पहले से दिए गए आदेश के खिलाफ है। और दिल्ली कैंट रेप केस में पीड़ित परिवार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में हाई कोर्ट में दायर एक याचिका पर आज सुनवाई होनी है और इस याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण यानी कि NCPCR को राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दे। दिल्ली में घटना के बाद से राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे और उसके बाद परिवार के साथ मिलने के फोटो सोशल मीडिया पर भी साझा किया गया और बाद में NCPCR के आदेश पर ट्विटर और फेसबुक ने ये फोटो भी हटा दिया था। किसी भी नाबालिग पीड़ित या फिर पीड़िता के परिवार की पहचान उजागर करना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 74 और पॉक्सो एक्ट की धारा 23 का उल्लंघन है। और फिलहाल रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।